कल्पना कीजिए बच्चों की जो आपस में प्रतियोगी भावना न रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हों। एक ऐसे वातावरण की कल्पना कीजिए जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करते हों। कल्पना कीजिए कि बच्चे अपने विचार खुलकर व्यक्त कर पा रहे हैं। बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने वाली बाल हितैषी पंचायत की कल्पना कीजिए। बाल अधिकारों को आगे बढ़ाने में पंचायती राज संस्थानों की महती भूमिका को स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार ने 20 नवंबर 2019 को बाल हितैषी पंचायतें बनाने एवं बाल सभाओं के आयोजन का निर्णय लिया। ऐसा करने से बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार हुआ, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित हुआ कि योजनाओं को तैयार करते समय बच्चों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को भी उचित महत्व दिया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो पंचायतों के लिए 9 थीम्स तय की गई हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण थीम है बाल हितैषी पंचायत। और मुझे लगता है कि अगर हमें आने वाले समय में देश के विकास को आगे बढ़ाना है तो ये बिल्कुल सही समय है जब हमें हमारे बच्चों के ऊपर, उनके अच्छे भविष्य के ऊपर, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार द्वारा 14 से 20 नवंबर 2022 को बाल अधिकार सप्ताह के रूप में मनाया गया। बाल सभाएं आयोजित की गई। इसके लिए राज्य में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। बाल हितैषी पंचायत हो मिलकर करे प्रयास, बच्चों को का शोषण नहीं हो, ये भी एक मुख्य मुद्दा है। आज के दिन हम सबको संकल्प करना चाहिए, बच्चों का भविष्य संवरे, शानदार बने, उसके लिए हम जो कर सकते करेंगे। अभियान के दौरान विशेष सुसज्जित रथों द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों और महिलाओं की भागीदारी उसमें। Without addressing child rights, we cannot achieve SDGs in Rajasthan or in India. So that's why it's so important we frame all of our initiatives around the Convention of the Rights of the Child as well as the Constitution of India. अभियान सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर हुई बाल हितैषी पंचायत कार्यशाला में भाग लिया। इसमें जिला प्रशासन और जिले के सभी महत्वपूर्ण विभाग एवं संगठनों ने जिले को बाल हितैषी बनाने के बारे में भावी योजनाओं एवं रणनीति पर विचार विमर्श किया। बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए जो आवश्यक कदम है, उन आवश्यक कदमों को उठाने के लिए ये प्रयास बाल हितैषी पंचायत का किया गया है। अभियान के माध्यम से विशेष बाल सभाओं को भी अधिक बल मिला, जिनका उद्देश्य न केवल बच्चों के अधिकारों के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना था, बल्कि बच्चों से जुड़े मुद्दों, समस्याओं और आवश्यकताओं की पहचान करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना में प्राथमिकता से उन्हें शामिल करवाना भी था। हमारा ये प्रयास है कि किस प्रकार से बच्चों को जो पूरा प्रोसेस है हमारी प्लानिंग का, उसमें उनके इनपुट भी लेकर आए। ग्राम सभा से पहले हर एक पंचायत में बच्चों की सभा की जाए, बाल सभा की जाए। उस बाल सभा में बच्चे अपनी बात रखें, अपने मुद्दे रखें, अपनी अपेक्षाएं रखें, और ये जो बच्चे अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे, उनको ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करें। इस अभियान में यूनिसेफ ने पूर्ण भागीदारी निभाने के साथ साथ एक अनूठी पहल मैं भी बाल सरपंच के नाम से चलाई, जिसमें ये दर्शाया गया कि अवसर मिलने पर बच्चे भी स्थानीय स्वशासन की बेहतरी में अपना योगदान दे सकते हैं। सरपंच होता तो पेड़ों को काटने पे प्रतिबंध लगाता, बाल विवाह पे प्रतिबंध लगाता। सभी लोगों की सहायता करना चाहती हूँ जो गरीब है। बाल श्रम से बच्चों को बचाइए, बाल तस्करी से बच्चों को बचाइए, बाल विवाह से बच्चों को बचाइए, और एक यौन शोषण, जो बाल यौन शोषण है, उससे बच्चों को बचाइए। हर माँ बाप सजग होने चाहिए कि बच्चे का पंजीयन हो जाए, बच्चे के सारे टीकाकरण हो जाए, आंगनवाड़ी में जोड़े ताकि उसको पोषण मिले, अर्ली लर्निंग मिले, शिक्षा लगातार उसे मिलती रहे। सभी को प्रयास करना चाहिए। बाल सभा पंचायत में योजनाओं से बढ़े कदम, बच्चों पर ग्राम पंचायत योजनाओं में बच्चों का सम्मान।